कई बार हम लोग को सुनने और पढ़ने को मिलता है कि हमारा देश कभी विश्वगुरु रहा। हमारे देश में ऐसे विश्वविद्यालय थे जो विश्व विख्यात, जहाँ के बड़े स्कॉलर कुछ ऐसा लिख गए जो हमारे देश, हमारे समाज, इस पूरे विश्व को आज भी दिशा निर्देशित कर रहे हैं। जो लिखा वो अमर हो गया। बड़ा दुखद है कि आज के समय में, इस आधुनिक भारत में, इस आधुनिक विश्व में, जब वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट आती है तो हमारे देश में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं जो टॉप में आ सके, उस लिस्ट में टॉप में आ सके। खैर, आत्मसंतुष्टि के लिए अभी के लिए ये सही है कि जेएनयू थोड़ा बेहतर कर रहा है। देखो, रैंकिंग से विश्वविद्यालय को तो हम नहीं आंकते। मेरा व्यक्तिगत जजमेंट ये है कि विश्वविद्यालय सही से काम करे, हमारे प्रोफेसर सही से पढ़ाए, तो भी किसी रैंकिंग की जरूरत नहीं है। लगभग मैं दो चार विश्वविद्यालयों को जानता हूँ अपने आजू बाजू में। बीएचयू को तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। कभी बहुत अच्छे से चर्चा करने का मन करता है कि बीएचयू, इलाहाबाद, इन विश्वविद्यालयों में एक्चुअली जो कोर्सेज चल रहे हैं, जो इनकी फंडिंग आती है, जो प्रोफेसर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं। विषय ये नहीं है, नहीं तो मैं इस पे बड़ा गंभीर चर्चा करता। आप लोग तो ऐसे विद्वान हो, आप लोग से चर्चा करने में तो मजा भी आएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू 2024 अनऑफिशियल कट ऑफ। लास्ट ईयर के कट ऑफ से ही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग की बात करी है, उस पे भी आप लोग अपना टीका टप्पणी जरूर करिएगा। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग सेफ जोन को लेकर डिस्कस करेंगे, यानी आपके एडमिशन की क्या पॉसिबिलिटीज है जेएनयू में, क्या जेएनयू के लिए सपना देखना आपके लिए पॉसिबल है। तो ऐसे में आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। मैं यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड तक के कट ऑफ को डिस्कस करने वाला। यहाँ पे राउंड है और यहाँ पे कट ऑफ है, कैटेगरीज है, ठीक है। और ये सेफ जोन है जेएनयू का। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो जनरल अगर टॉपर से 90% है, टॉपर के मार्क्स से, ओवरऑल मार्क्स से नहीं, 300 मार्क्स से नहीं, टॉपर के मार्क्स से 90% में आता है वो, ठीक है, 90 के अबव तो कोई बात नहीं, एंड ऑफ 90% तक आता है तो मे कॉल फॉर फर्स्ट राउंड फाइनल सिलेक्शन। ओबीसी के लिए 80% फ्रॉम टॉपर, टॉपर के मार्क्स से 80%, ईडब्ल्यूएस 85%, एससी 70%, एसटी 60%। ये मैंने वो लिस्ट बनाई है फर्स्ट रो में जो कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स से लगभग 5 से 10% कम पे है। जेएनयू में सीटें कम होती हैं, यही कारण है कि ये जो आपकी मेरिट है बहुत ही ज्यादा हाई होती है, और हमारे देश में इससे ज्यादा हाई कट ऑफ, इससे ज्यादा हाई मार्क्स मेरिट नहीं जाता है। टॉप यूनिवर्सिटीज होने के नाते बच्चों की जो चॉइसेस होती हैं वो जेएनयू होता है। जेएनयू में हॉस्टल की फीस 0 के बराबर, खाने पीने का ऊपर से गवर्नमेंट आपको पॉकेट मनी देती है। तो कहने का मतलब यह है कि जेएनयू में कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। इतनी नामी, इतनी सुविधाओं के साथ एक अलग ही आइडियोलॉजी है, ये तमाम चीजें बच्चों को अट्रैक्ट करती है और जेएनयू का ये जो कट ऑफ है उसको हाई बनाती है। सेकेंड में मैं थोड़ा थोड़ा कम कर दिया हूं, 80% टॉपर से लगभग, ओबीसी के लिए 75% टॉपर से, ईडब्ल्यूएस के लिए 75% टॉपर से, एससी का 65% टॉपर से और 55% टॉपर से एसटी का। ध्यान देना, फर्स्ट और सेकेंड इस राउंड तक, यानी आप ये जो मिड में है, सेकेंड राउंड है, यहां तक भी अगर आप आते हो तो आप जेएनयू के सपने देख सकते हो। जो लास्ट राउंड है ये मैंने लिखा हुआ है, इस वाले राउंड में आने वाले बच्चे बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी सोचना शुरू कर दें। लेकिन ये जो फर्स्ट राउंड के बच्चे हैं, ये बस जेएनयू का भी सपना देखें और बस जेएनयू का भी फॉर्म डालें तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको कई जगहों पे हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, इनको है। और ये भी कम से कम एक दो यूनिवर्सिटीज ऑप्शन के तौर पर लेके चले, लेकिन आई एम श्योर कि फर्स्ट वाले रो के बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो एडमिशन आराम से ले लेंगे जेएनयू में। थर्ड राउंड भी डिस्कस कर लेते हैं। 78%
जनरल के लिए 73%, ओबीसी के लिए 72%, ईडब्ल्यूएस के लिए, और वही 73 और 72 और 62 50% एसटी के लिए। कुछ इस तरीके के अगर आपके टॉपर से मार्क्स हैं, टॉपर से इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ कोर्सेज में इस बार मार्क्स जो है वो काफी कम हो गया है। होम साइंस में लास्ट ईयर से इस बार मार्क्स काफी कम हो गया है। ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जहां 200 प्लस आने की उम्मीद थी, वहां पे लगभग 150 से 200 में ही मार्क्स सिमट के रह गया है। और कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जहां पे पूरे में पूरे मार्क्स या 290, 280, 270 तक है। तो ऐसे में आप अपने कोड के अकॉर्डिंग टॉपर लिस्ट अगर आपके पास नहीं हो तो एक वीडियो मैंने डिस्कस किया था, फिर भी नहीं होगा तो टॉपर लिस्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी है, वहां मैं शेयर कर दूंगा। आप वहां से टॉपर का मार्क्स देखो और ये परसेंटेज कैलकुलेट करके अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटीज चेक कर लो। ध्यान देना, कमिंग वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएचयू के एडमिशन में चेंजेस आया है, बदलाव आया है। वो क्या बदलाव है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज बेहद जरूरी है कि आप लाइक करो, लाइक करोगे तो चैनल रिकमेंड करता है।